गाजियाबाद के मुरादनगर के गांव चित्तौड़ा में सभा करने पहुंचे राष्ट्रीय लोक दल के प्रमुख जयंत चौधरी ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने इस दौरान मंच से संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय लोक दल किसान और आम आदमी की आवाज बंद कर कार्य कर रही है। चुनाव लड़ने के लिए उनकी तरफ से संसद में उम्र घटाने का प्रस्ताव रखा गया है। 25 साल की उम्र को घटाकर 21 साल किए जाने के प्रस्ताव जयंत चौधरी ने राज्यसभा के पटल पर रखा है। यूपी के गाजियाबाद से जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर गाजियाबाद पहुंचे आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। जयंत चौधरी ने चित्तौड़ा में जनसभा की। संसद में चुनाव लड़ने के लिए उम्र घटाने का प्रस्ताव 21 साल उम्र किए जाने का प्रस्ताव रखा है। जयंत चौधरी की 25 दिसंबर को सीकर में जनसभा, लोगों और किसानों से भरतपुर पहुंचने की अपील की है। देखिए, संसद का सत्र चलता है तो नियम होता है कि अगर कोई भी घटना होती है तो उसकी पहले जानकारी संसद को देनी चाहिए। ये संसद की परंपराओं की अवहेलना है, जनता की जो जनमत है, जो लोकतंत्र है, उसका अपमान है कि 9 तारीख को घटना होती है और सोमवार का दिन पूरा सरकार के पास था, संसद सत्र चालू था, संसद में चर्चा होती नहीं। फिर राजनाथ सिंह जी बहाना लेते हैं कि जी छुट्टी थी इसलिए हम संसद में इसकी चर्चा समय पे नहीं कर पाए, तो सोमवार में क्यों नहीं चर्चा की। तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि स्पष्टीकरण दें। हम लोग आर्मी के साथ हैं, आर्मी के जज्बे के साथ हैं। अगर हमारे सैनिक ना हों तो देश का कोई अस्तित्व नहीं बच पाएगा, और उन सैनिकों के लिए ही हम सवाल पूछ रहे हैं।